सिक्स क्लास। बेटे मैथ का आज हम चैप्टर करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। ये वाला चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें ये तीसरा चैप्टर है आपका, तीसरा चैप्टर जिसमें 3.1 में फर्स्ट क्या दिया हुआ हमें, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 24, ठीक है। तो हमें टेबल्स आते हैं, आपको स्टार्टिंग में टेबल्स करवाए हुए ना। सबसे पहले मैथ में हमने स्टार्टिंग में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि बेटा मैथ अपना टेबल्स आपको 2 से लेकर 20 तक अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। वही टेबल्स जहाँ पे हमने यूज करने हैं। अब 24 नंबर दिया हुआ, 24 का फैक्टर्स बनाने हमने। सबसे पहले हमने देख लेना है जो 24 है, 1 के टेबल में तो आता है, हर एक नंबर 1 के टेबल में आता है। जैसे 124 जा कितने होते हैं, 24, ठीक है। अभी 24 2 के टेबल में भी हम 2 के टेबल से करेंगे, 212 जा कितने होते हैं, 24, ठीक है। जहां फिर आप बोल सकते हो 12 2 जा कितने होते हैं, 24। तो 24 हमने देख लेना कौन कौन से टेबल में आते हैं। अभी नेक्स्ट है 3 के टेबल में आते हैं, 3 8 जा कितने होते हैं, 24। 4 के टेबल में आते हैं, 4 6 जा 24, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे आपने 4-5 फैक्टर्स बना के ऐसे बना के आपने बता देने हैं कि ये कौन कौन से टेबल में आता है 24, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट हम, जैसे आगे ले लेते हैं हम 21 ले लेते हैं, ठीक है। 21 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 में तो आएगा ये 1 20 1 21, 3 7 जा 21, 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा कितने होते हैं, 21, ठीक है। तो ऐसे करके और भी यहाँ पे आपको लगता है 21 टेबल में से, जैसे 3 7 जा, ऐसे 7 3 जा 7 के टेबल में भी आते हैं 21, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 के टेबल में आया है 4 6 जा, ऐसे 6 के टेबल में भी 6 4 जा भी 24 होते हैं, ठीक है। ऐसे अपने दिमाग से आपने सोच के इनके फैक्टर्स बना के अपनी कॉपी में लिखने में आपको कुछ नंबर सेंड कर देती हूँ, वो सारे फैक्टर्स बना के आपने मुझे चेक करवाने अपनी कॉपी में, ठीक है बेटा।